प्रयागराज प्रशासन ने बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त 5 जमीनों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। प्रशासन ने मुक्त हुई 5 जमीनों पर पुलिस चौकी, पार्किंग और फ्लैट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इन जमीनों पर पुलिस चौकी, पार्किंग के अलावा वकीलों, शिक्षकों, पत्रकारों और गरीबों के लिए आशियाने बनाए जाएंगे। पानी टंकी चौराहे पर मुक्त हुई जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण होगा। नवाब यूसुफ रोड पर कब्जा मुक्त 500 वर्ग मीटर जमीन पर पार्किंग बनाई जाएगी। शिवकुटी, नुकरगंज में मुक्त जमीनों पर आवास का निर्माण होगा। गौरतलब है कि हाल ही में अधिवक्ता सम्मेलन में सीएम योगी ने कब्जा मुक्त जमीनों पर गरीबों के लिए आशियाना बनाने की बात कही थी। प्रदेश के अंदर कोई सोचता था, बड़े बड़े लोग घबराते थे और किसी रोड से कोई माफिया गुजरता था तो बड़े बड़े लोग अपना रूप बदल देते। और मैंने तो देखा बहुत सारे लोगों को स्थगित हो जाती थी कार्रवाई बहुत सारी जगह। लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। और मैंने तो यहां के विकास प्राधिकरण से कहा है कि माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना हमने बनाई है। कितना अच्छा रहेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा, देखे कहीं एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। तो माफियाओं की जमीन पर गरीबों के आशियाने बनेंगे, पार्किंग बनेगी, पुलिस चौकी का निर्माण होगा, सरकारी बिल्डिंग्स बनेगी और सबसे जरूरी महत्वपूर्ण ये है कि गरीबों को रहने के लिए जगह इन जमीनों पर मिल सकेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये पहले ही साफ कर दिया था कि अवैध कब्जा जितने भी लोगों ने किया है और माफियाओं ने जितना पैर पसारे हैं उन सभी को सबक सिखाया जा रहा है लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर। और अब माफियाओं की जमीन पर जब बुलडोजर चला, उनके अवैध निर्माणों को तोड़ा गया, तो अब नए निर्माण यहां पर किए जाएंगे और इससे राहत मिलेगी गरीबों को भी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता गुफरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बड़ा निर्णय यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है, योगी सरकार ने लिया है गुफरान, क्योंकि पहले तो अवैध निर्माण कार्यों पर बुलडोजर चलाने की तेजी के साथ कार्रवाई हुई, लेकिन अब यह भी तेजी के साथ हो रहा है कि उन जमीनों पर अब गरीबों को आशियाने मिलेंगे, पार्किंग बनेगी, पुलिस चौकी मिलेगी, इससे भी एक अच्छा संदेश जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये जिन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया है अतीक और उसके करीबियों से, ये जमीनें सरकारी हैं, नजूल की हैं, जिसको प्रयागराज प्रशासन ने पहले ही चिन्हित करके अतीक के कब्जे से मुक्त कराया, वहां पर अपना बाकायदा जो बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड, वो लगाया गया है। और अब सीएम योगी बुधवार को प्रयागराज दौरे पर, इस दरमियान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर पर अधिवक्ताओं के समागम में ये बात कही थी कि अधिवक्ता जो गरीब हैं, जो बेहद एक तरीके से दूर रहते हैं दूसरे शहरों में, क्योंकि हाईकोर्ट इलाहाबाद में है, लिहाजा यहाँ प्रदेश भर के अधिवक्ताओं का आना जाना होता है, हफ्ते में 5 दिन ऐसे होते हैं जो एक तरीके से कार्य दिवस होते हैं, तो ऐसे में उनके रहने के लिए तमाम तरीके की दिक्कतें होती थी, जिसको अधिवक्ताओं ने उठाया था उसी समागम में। उस दरमियान सीएम योगी की तरफ से ये बात कही गई थी कि माफियाओं के कब्जे से जो सरकारी जमीनें मुक्त हुई हैं, वहां प्रयागराज प्रशासन इस बात को सुनिश्चित कराए कि वहां पर इन्हें नो प्रॉफिट नो लॉस पर सरकारी आवास एक तरीके से उपलब्ध कराए, जिसमें गरीबों के अलावा शिक्षकों को भी सीएम योगी ने ये बात कही थी। तो अब प्रयागराज प्रशासन जो है उसकी तैयारियों में जुट गया है और जिलाधिकारी को इस बात के लिए एक जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसमें 5 जमीनें हैं। जो पहली है वो हाईकोर्ट पानी टंकी चौराहे के पास है, जो पहले वहां पर एक होटल का निर्माण कराया गया था, उसको सितंबर महीने में कब्जा मुक्त कराया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने। गुफरानी कह सकते हैं कि पहले कार्रवाई करके एक अच्छा संदेश दिया योगी सरकार ने और अब उन जमीनों पर ऐसे निर्माण किए जाएंगे जो कि राहत देंगे लोगों को भी, शिक्षकों को, सबसे ज्यादा गरीबों को आशियाने यहां पर मिलेंगे और लोगों की सुविधाओं के कार्य यहां पर हो सकेंगे। ये एक बड़ा संदेश योगी सरकार देने जा रही है।